फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा दास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ माय टॉप 10 बायोटिक के प्रोडक्ट्स। सो वन बाय वन मेरे ये फेवरेट प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैं रेगुलर कुछ रीपर्चेज कर भी चुकी हूँ और कुछ रीपर्चेज डेफिनेटली करूँगी क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। सो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने बायोटिक का सबसे पहला प्रोडक्ट परचेज किया था, वो मैंने किया था बायोटिक एडवांस बायो नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। और ये फेस वॉश मेरा बहुत फेवरेट है, मैं इसे रीपर्चेज कर चुकी हूँ और मैंने दोनों बार इसकी बड़ी पैकेजिंग ही परचेज करी है और ये फिनिश भी हो चुका है। इसकी शेल्फ लाइफ तीन साल है, 240 रुपये इसकी प्राइस है। प्रोडक्ट क्वांटिटी 300 ml है, तो ये बहुत सारा चलने वाला है और इसमें काफ़ी सारी पैकेजिंग अवेलेबल है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ऑर्गेनिकली प्योर है, नॉट एनिमल टेस्टेड है। और काफ़ी बायोटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्बल होते हैं, सो मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूँगी कि इस बायोटिक में आप कुछ और खरीदें या नहीं खरीदें, नीम फेस वॉश ज़रूर परचेज करें। सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, बायोटिक बायो फ्रूट वीजम लिप बाम। दिस इज़ द लिप बाम और इसकी प्राइस 175 रुपीज़ है। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 12 ग्राम है और साथ ही इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स है और ये मुझे काफ़ी चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं। इसे मैं आधा फिनिश कर चुकी हूँ आप देख सकते हैं। और ये आधा भी विंटर्स में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लिप बाम है, जिनके समर्स में या पूरे ईयर लिप्स चैप्ड रहते हैं, फटे हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए तो पूरे साल चलेगा और ये एक लिप बाम काफ़ी महीनों चल जाता है अगर आप सिंगल लिप बाम यूज़ करते हैं। अगर आप मल्टीपल लिप बाम यूज़ करते हैं तो ये आपको 2 साल 1.5 साल भी चल सकता है। सो मेरा सेकंड फेवरेट ये है जो कि बायोटिक के लिप बाम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक बायो एडवांस फेयरनेस फेस वॉश एंड दिस इज़ द फेस वॉश और ये भी ऑलमोस्ट इतना फिनिश हो चुका है और इसे मैंने अभी तक रीपर्चेज नहीं किया, ये फिनिश अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक इसको एक्सपायर होने में भी 6 से 7 महीने ही बाकी हैं, तो अभी ये बहुत जल्दी मुझे यूज़ आ जाएगा, सो मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। एंड ये 100% प्योर है, नेचुरल एडवांस ट्रीटमेंट के साथ आ रहा है और ये 240 रुपये का है और साथ ही इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 300 ml है। और एज़ यूजुअल नीम फेस वॉश की तरह इसमें भी बहुत सारी पैकेजिंग अवेलेबल है, सो आप इनमें से जो चाहें वो पैकेजिंग परचेज कर सकते हैं, चाहे वो 50 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक मैक्सिमम इसकी क्वांटिटी है। थर्ड मेरा प्रोडक्ट है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो पपाया विजिबली एज स्क्रब वॉश। दिस इज़ वेरी नाइस और ये भी मुझे 3 ईयर्स से चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, 3rd ईयर चल रहा है, तो मैं इसको फिनिश कर दूंगी। और ये एक स्क्रब वॉश है नॉर्मल पपाया वॉश के साथ साथ, इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल है। सो मैं स्क्रब बहुत कम करती हूँ, लाइक समर्स में ही स्क्रब करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादातर सिर्फ समर्स में काम आता है, विंटर्स में मैं नहीं इस्तेमाल करती। और इसे मैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही इस्तेमाल करती हूँ, वो भी हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार मैक्सिममली। सो इसीलिए ये इतना ज़्यादा फिनिश नहीं हुआ है और ये इतना अभी भी फिलअप है और मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो उससे पहले। नेक्स्ट मेरा बायोटिक का फेवरेट प्रोडक्ट है बायोटिक माउंटेन इबोनी वाइटलाइजिंग सीरम फॉर हेयर फॉल। दिस इज़ मस्ट है प्रोडक्ट, ये बालों को इतना सिल्की स्मूथ बना देता है और दिस इज़ द सीरम जो आप अपने हेयर्स की जड़ों में अंदर भी मसाज कर सकते हैं और रूट पर और बाकी की लेंथ पर तो लगा ही सकते हैं। उसी के साथ ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, ऑर्गेनिकली प्योर है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये नॉट एनिमल टेस्टेड है, साथ ही ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ बनता है। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 185 रुपये इसका प्राइस है और 120 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी। और ये मैं डेफिनेटली ख़त्म होने पर रीपर्चेज करूँगी और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालया वाटर। तो इसमें हिमालया वाटर है, कुकुम्बर वाटर है, सो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली समर्स में, रेनी सीजन में और जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या गर्मी से फेस थोड़ा सा जल रहा होता है, या उस टाइम पे आप इसको अपने नाइट रूटीन या डे रूटीन में शामिल कर सकते हैं, कॉटन पैड पर लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई फिलिंग एम्प्टी स्प्रे बॉटल हो तो उसमें आप इसको ऐड करके रख सकते हैं। मैं इसे ना मेरा श्री श्री का जो फर्स्ट मैंने टोनर लिया था वो फिनिश हो गया था, वो एक स्प्रे बॉटल थी, तो मैंने इस कुकुम्बर को उसी में फिलअप करके और इसे काफ़ी इस्तेमाल किया है और अभी जब वो फिनिश हो जाएगा तो फिर से उसी बॉटल में इसे लेकर और बाकी का भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये मेरा कुकुम्बर
टोनर था, 175 रुपये इसका प्राइस है, 120 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है बायोटिक बायो ब्रिंगराश थेरेपी पिटिकली ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर, एंड दिस इज मस्ट है, क्योंकि ब्रिंगराज जो होता है ना, ब्रिंगराज आंवला कुछ चीज़ें जो बालों के लिए मस्ट है होती है, अगर वो आप बालों में लगा रहे हैं, सॉरी वो अगर आप बालों में लगा रहे हैं तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को झड़ने से रोकता है और साथ ही आपके बालों की शाइन को अच्छा बरकरार रखता है, सो आपकी बालों की क्वालिटी को सुधारता है। तो मैं इस तेल को हाईली रिकमेंड करूँगी, आप बिल्कुल इसे परचेज करें। और ये है ना 120 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी और 159 rupees इसकी प्राइस है, तो ये बहुत अफोर्डेबल है और ये इतनी बड़ी पैकेजिंग में आता है और ये बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि हम बालों की जो मसाज होती है या ऑयलिंग होती है वो वीक में एक या दो बार ही करते हैं, जब भी हमें वॉश करने होते हैं, तो ये काफ़ी चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है प्रोडक्ट बायो आयुर्वेदिक बायो वीट जर्म यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम, दिस इज़ द नाइट क्रीम, और ये बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत क्रीमी टेक्सचर के साथ आती है और साथ ही इसकी ना बहुत स्मॉल अमाउंट ही पूरे फेस के लिए इनफ होता है। सो इसकी प्राइस की बात करते हैं, 230 रुपये इसकी प्राइस है और 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी और 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। तो आप देख सकते हैं इसे मैं रीपर्चेज कर चुकी हूँ, मैं पहले भी एक बॉक्स इसका फिनिश कर चुकी हूँ और ये भी आधा हो चुका है। सो अभी ये नाइट क्रीम समर्स में तो उतनी काम नहीं आती है, रेनी सीजन में भी उतनी काम नहीं आती है, बट आफ्टर अक्टूबर जब हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगती है उसके बाद ये बहुत काम आती है, क्योंकि ये बहुत नरिशिंग और हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम है। सो आप इसे ज़रूर शामिल करें अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में। उसके बाद मैं बात करती हूँ बायोटिक की, बायोबेरी प्लम्पिंग लिप बाम। बायोटिक में ना बहुत सारी लिप बाम्स हैं, बट मैंने ये कुछ 3 परचेज करी हैं, 3 में से 2 मेरी फेवरेट है, सो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छी लिप बाम है, 175 rupees की आती है और साथ ही 12 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है और साथ ही ये एक स्मूथ टेक्स्चर के साथ आती है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और प्रिजर्वेटिव फ्री है, ऑर्गेनिकली प्योर है और साथ ही नॉट एनिमल टेस्टेड है। सो ये जो लिप बाम है वो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ वेरी 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 नाइस। और ये इस तरह से आती है, यू कैन सी इसमें इस तरह की इनर लिड होती है जो आप ओपन करें और ये इस तरह की एक बेरी बायो बेरी लिप बाम है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके लिप्स कितने भी बुरी कंदर से फटे हुए हों या खराब हो रहे हों, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो दिस इज़ माई प्रोडक्ट। और मेरा लास्ट प्रोडक्ट है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो एलोवेरा सनस्क्रीन, और ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज किया था और एक दो बिफोर लॉकडाउन परचेज किया था और मैंने इसे 2-3 महीनों से मैं यूज़ भी कर रही हूँ फॉर एवरीडे घर में रहने के बावजूद भी। तो ये बहुत इफेक्टिव है, यूवीए यूवीबी से प्रोटेक्ट करता है, S30+ SPF है और एवरीडे पर्पज़ से, और घर में रहने वालों के लिए तो 30 SPF काफ़ी होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर पानी में जाते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम धूप में जाने वाले हैं तो आप इसकी 2 layers लगा सकते हैं। इसकी प्राइस 220 रुपये है, प्रोडक्ट क्वांटिटी 50 ग्राम है और शेल्फ लाइफ इसकी 3 years है, बट सनस्क्रीन प्रोडक्ट तो वैसे भी 3 साल चलते नहीं है, वो तो जल्दी ख़त्म हो ही जाते हैं क्योंकि वो हमारा एवरीडे रूटीन होता है। और ये जो क्रीम की खासियत है ना, वो ये है कि इसमें सनस्क्रीन होने के बावजूद, इसमें SPF होने के बावजूद ये वाइट कास्ट नहीं करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी। और बायोटिक में और भी सनस्क्रीन आते हैं, अगर मैं नेक्स्ट टाइम परचेज करती हूँ तो मैं उनका रिव्यू भी ज़रूर अपलोड करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये थे मेरे सारे के सारे 10 प्रोडक्ट, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका प्रोडक्ट का रिव्यू ज़रूर करूंगी। और ये थे मेरे ये सारे के सारे प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट फेवरेट, जिन्हें मैं बहुत रीपर्चेज करूँगी और कुछ को कर भी चुकी हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।